अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबको फेसबुक लाइव सेशन में खुश आमदीद। मेरा नाम सना असफ़र है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में, और मेरे साथ बहुत ज़बरदस्त एक्सपर्ट्स की टीम मौजूद है जो आपको इस पूरे रमज़ान के हवाले से जो हम लाइव सेशन कर रहे हैं उसमें आपकी रहनुमाई फरमाएंगे। अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ कराते चलें। मैं अपने उल्टे हाथ से स्टार्ट करती हूँ। जी सर। मेरा नाम डॉक्टर रुस्तम खान है, मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं और मेरा क्लिनिकल न्यूट्रिशन में स्पेशल इंटरेस्ट है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोती खान है, मैं आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में एज अ क्लिनिकल डाइटिशियन काम कर रही हूं, असिस्टेंट मैनेजर क्लिनिकल न्यूट्रिशन। मेरी स्पेशलिटी डायबिटीज़ टाइप 1 टाइप 2 न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट है और साथ में वेट मैनेजमेंट भी है और जनरल न्यूट्रिशन भी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अस्मा अहमद है और मैं आगा खान अस्पताल में एज एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट काम करती हूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद है, मैं सीनियर डाइटिशियन हूँ आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में और मेरी एक्सपर्टीज़ जो है वो कार्डियो के बेसिकली डील करती हैं, उसमें न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। ओके जी, आई एम श्योर आपको सारे हमारे एक्सपर्ट्स का तारुफ हो गया होगा, और हम आज के सेशन जो लेकर आए हैं वो रमज़ान के हवाले से है जिसमें हम बताएंगे आपको कि किस तरह से अपनी ग़िज़ा को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ कि आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल पाकिस्तान का पहला JCIA एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है, यानी जॉइंट कमीशन ऑफ इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन मिली हुई है, और इसी हवाले से हमारी जो लेबॉरेटरीज़ हैं वो कॉलेज ऑफ अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट से तस्दीक शुदा हैं। इसके साथ साथ आप हमारी दीगर सर्विसेज भी हासिल कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमारा फेसबुक पेज विज़िट कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स फेसबुक पेज है AQH पाकिस्तान, या वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं hospitals.aqu.edu से। अब हम अपने लाइव सेशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं, और क्वेश्चंस के लिए आप हमें विज़िट कर सकते हैं हमारा पेज। आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस लिखें, आपको बराह रास्त जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो पहला हमारा सवाल है डॉक्टर रुस्तम आपके हवाले से है कि फौजिया पूछती हैं कि रमज़ान में इफ्तार के टाइम पे उनके पेट का कुछ मसला स्टार्ट हो जाता है और डायरिया उनको स्पेशली फील होता है, तो क्या वजह हो सकती है? और लास्ट 2 ईयर से वो कोशिश कर रही हैं कि ये मसला सॉल्व हो जाए लेकिन हो नहीं पाता, इफ्तारी करते हैं उनको डायरिया हो जाता है। अच्छा जी, इसमें ये देखना होगा कि ये इफ्तार के फौरन बाद खाने में क्या चीज़ें खाती हैं। ठीक है, इसके लिए देखना ही होगा, अगर ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी और बहुत ज़्यादा मुरगन चीज़ें खाती हैं या बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खाती हैं तो इससे फौरी तौर पे जो कि शुगर एब्जॉर्ब हो जाती है और उससे फिर लाइट हेडेडनेस और लो ब्लड प्रेशर और कई लोगों में डायरिया भी हो सकता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें, बहुत ज़्यादा मुरगन चीज़ें जैसे पकौड़ा, समोसाज और बहुत ज़्यादा स्पाइसी किस्म के फ्रूट चाट्स वगैरह जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनके लिए भी फिर आंतों की ये मैदे के अंदर तेजाबियत और आंतों की मूवमेंट मोटिलिटी इंक्रीज हो जाती है, तो इस तरह से तो इनको लूज मोशन हो सकते हैं। तो इस चीज़ का अगर ख्याल रखें, इत्तेज़ाल में ले आएं, तो इसके से मकसद ये कि अपनी सहरी को अपने इफ्तार को चेक रखें कि क्या खा रही हैं। ठीक, मोती आप प्लीज़ बताएंगी कि डायबिटिक पेशेंट हैं तैयबा गुल पूछ रही है, एक डायबिटिक पेशेंट को सहरी कौन और इफ्तार में क्या ऐसी डाइट है जो वो लें? सबसे पहले तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा कि आपके डायबिटोलॉजिस्ट या आपके डॉक्टर ने आपका अलाउ किया है कि आप रोज़ा रख सकते हैं नहीं। दूसरी बात ये क्योंकि 15 घंटे की फास्टिंग है तो आपकी अफ्तारी और सहरी के अंदर नमक और ऑयल की जो मकदार है, जो क्वान्टिटी है तेल की और नमक की, वो कम होनी चाहिए। कोशिश करें कि बहुत लाइट फूड हो, बहुत डीप फ्राइड चीज़ें एकदम से 15 घंटे के रोज़े के बाद जो हम अफ्तारी में खा लेते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा एकदम से पेट में हैवीनेस और इनडाइजेशन या बदहजमी हो सकती है। तो पानी के साथ साथ अपने डाइट में अफ्तारी को लाइट रखें जिसमें फ्रूट्स का इस्तेमाल है, और फ्राइंग के बजाय ओवन बेकिंग को या ओवन में बेक करना समोसे या रोल को वो ज़्यादा प्रेफर कर लेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा आपको डाइट के अंदर। ज़बरदस्त, तो आप अपने लाइव इस वक्त हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, आप लाइव अपने क्वेश्चंस इनपुट कर सकते हैं कमेंट सेक्शंस में ताकि हम आपके बराह रास्त जवाब दे सकें। मेरे साथ डॉक्टर अस्मा मौजूद है। डॉक्टर अस्मा, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है एक आम डायबिटिक मरीज़ के लिए जो इंसुलिन पे होता है कि हम अपनी इंसुलिन को किस तरह एडजस्ट करें, क्या उन्हें रमज़ान से पहले अपने डायबिटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, ख़ुद से सब कुछ कर लें? बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ज़रूरी है। सो वो मरीज़ जिनको डायबिटीज़ है
या अगर वो इंसुलिन पे हैं भी और इंसुलिन पे नहीं भी हैं, दोनों सूरतों में उनको अपने डायबिटोलॉजिस्ट से ज़रूर रब्ता करना चाहिए रमज़ान से पहले। और ये काम जो है वो रमज़ान से 2-3 दिन पहले या 1 हफ़्ते के लिए नहीं है, ये बेसिकली स्टार्ट होना चाहिए 6 to 8 weeks बिफोर रमज़ान, ताकि उनकी मेडिकेशन एडजस्ट हो सकें, ताकि उनको पता चल सके कि उनका हीमोग्लोबिन A1C जो 3 महीने का एवरेज कंट्रोल होता है शुगर का वो किस तरह से है। बेसिकली क्योंकि हम क्लासिफाई करते हैं मरीज़ों को 3 रिस्क कैटेगरीज़ में, एक होता है लो रिस्क, एक होता है मॉडरेट रिस्क और एक होता है हाई रिस्क। तो सबसे पहले तो आपके डायबिटोलॉजिस्ट देखेंगे कि आप कौन सी रिस्क कैटेगरी में फॉल करते हैं, आप रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते। अगर आप हाई रिस्क में नहीं आते, अगर आप लो रिस्क में आते हैं, तो वो आपको उस हिसाब से एडवाइस करेंगे कि आपने अपनी मेडिकेशंस को किस तरह से एडजस्ट करना है, इंसुलिन पे हैं इंसुलिन पे किस तरह से एडजस्ट करना है। और अगर हाई रिस्क में आते हैं तो ज़्यादातर जो है डायबिटोलॉजिस्ट ये मशवरा रखता है देते हैं कि रोज़े को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगेन फिर वही बात है कि वो ऐसा इशू है कि बहुत सारे मरीज होते हैं कि वो बहुत परसिस्टेंट होते हैं कि नहीं रोज़ा रखना है, तो उसमें फिर एक स्पेशल एडवाइस के साथ कि किस तरह से इंसुलिन को एडजस्ट करना है, किस तरह से दवाइयों को एडजस्ट करना है, बहुत ज़रूरी है। एंड ऑब्वियसली बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि डाइट को किस तरह से एडजस्ट किया जाए। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। अच्छा फरा, एक और क्वेश्चन आया हमारे पास कि रमज़ान में जो लोग एटकिंस डाइट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? तो पहले तो एटकिंस डाइट वगैरह रमज़ान के फेज में वैसे ही हम अलाउ नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि फास्टिंग में वैसी फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है। तो वेट रिडक्शन अगर आप बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ डाइट यूज़ करें तो ऑलमोस्ट वेट रिडक्शन की तरफ आपका होगा, लूज़ आप करते ही हैं। एंड इट्स बेटर टू टेक मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, प्लस स्लो रिलीज आपने कार्ब्स यूज़ करने, जिसमें आप होल ग्रेन्स यूज़ कर सकते हैं रादर देन चूजिंग होल वाइट ब्रेड वगैरह। जैसे ओट्स हैं, तो अगर आप सहरी में ओट्स यूज़ कर लेंगे तो इट्स बेटर कि वो आपको पूरे दिन में ये रिलीज़ नहीं करेगा कि डिजीनेस नहीं होगी, यू डोंट फील के हंगर पैंक्स बहुत ज़्यादा होंगे। तो इस किस्म की आपने, जैसे अगर आपने होल वीट पराठा या चपाती ले ली तो इट विल ऑल्सो हेल्प इन दैट। ठीक, थैंक यू सो मच। डॉक्टर उस्ताद, एसिडिटी काफ़ी लोगों को हो रही थी रमज़ानों में, हम देख रहे होते हैं कि सहरी में गॉड नोज क्या खा लिया तो पूरा दिन एसिडिटी हो रही है, अफ्तारी के बाद भी एसिडिटी हो रही है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, फरहीन पूछ रही है कि एसिडिटी का क्या इलाज है और एंट एसिड्स क्या यूज़ करनी चाहिए और किस टाइम पे यूज़ करनी चाहिए रमज़ान में? सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि रमज़ान में दो मेनली दो मील्स या दो मील्स होते हैं, एक सहरी और एक इफ्तार, और इनके दरमियान काफ़ी बड़ा डिस्टेंस होता है, वक्फा होता है तकरीबन 14-15 घंटे का, इसमें कुछ खाया पिया नहीं होता। तो जो स्टमक की सिक्रीशंस हैं, एसिड है, वो अनपोज होती हैं और वो मैदे के ऊपर जाके अपना असर करती हैं, और इससे वो सिम्टम्स होते हैं ब्लोटिंग के, पेन के, और कई दफ़ा बहुत ज़्यादा पेट फूल जाता है या जलन होती है, डकारें बहुत ज़्यादा आती हैं। तो ऐसी सूरत में हमें सहरी में अपनी जो डाइट है ना उसका बहुत ख्याल रखना होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप स्पाइसी ओवर ईटिंग अगर आप कर लेंगे या बहुत ज़्यादा स्पाइसी या बहुत ज़्यादा मुरगन चीज़ें आप खा लेंगे तो ऐसी सूरत में फिर वो चीज़ें दिन में प्रॉब्लम करेंगी, और उस चीज़ का ख्याल रखें। और बहुत ज़्यादा कम स्पाइसी वाली चीज़ें लें, जैसे फरा ने बताया कि इसमें फाइबर्स वाली चीज़ें और स्लो रिलीज जो डाइट है वो उसका इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा मुरगन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करें। और हमारे पास बहुत अच्छी जो दवाइयाँ हैं वो जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मोर देन 12 आवर्स होता है, और उनको अगर सुबह सहरी से पहले ले लिया जाए तो वो दिन में एसिड की सिक्रीशंस को कम करेगी और सिम्टम्स बेहतर रहेंगे। तो दवाइयों के साथ साथ डाइट में भी अगर आप इत्तेदाल करेंगे तो आपको ये जो एसिडिटी के और अल्सर के जो सिम्टम्स हैं वो बेहतर होंगे। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग सवाल पूछ रहे हैं, आई एम श्योर ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो रहा है। आप हमारी इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और साथ साथ अपने क्वेश्चंस कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे पास आया है एच पायलोरी के हवाले से। एच पायलोरी है, एक साहब पूछ रहे हैं और वो ही पूछ रहे हैं स्टमक प्रॉब्लम रहता है, रमज़ान में क्या सही डाइट हो सकती है? मोती, क्या बताएंगे आप? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जिस तरह हम एसिडिटी और इंडाइजेशन को डिस्कस कर रहे हैं, सहरी के अंदर अगर मैं एक आइडियल प्लान बताऊँ तो दही इज़ वेरी एक्सेलेंट टू प्रिवेंट एसिडिटी। दही या तो आप लस्सी की फॉर्म में ले लीजिए, दही और पानी की जो ब्लेंड की हुई लस्सी होती है आप उसका इस्तेमाल ज़रूर सहरी में करें, वो डिहाइड्रेशन से भी पूरे दिन आपको प्रोटेक्ट रखेगी और आपकी एसिडिटी भी अच्छे हद तक
कंट्रोल हो सकती है. दूसरा, ठंडा दूध का इस्तेमाल लोग कर सकते हैं, प्लस अंडा जो है या जो भी फ्राइड प्रोटीन्स हैं, फॉर एग्जांपल अंडा या कबाब का जो ट्रेंड है सहरी में खाने का, उसमें आप 1 teaspoon ऑयल में या ऑयल कंट्रोल करते हुए जो भी बनाएंगे, तो उसमें फिर ये होगा कि आप कम ऑयल में अच्छी डाइजेशन के साथ सहरी कर सकते हैं. एक फ्रूट ज़रूर रखें अपनी सहरी के मील के अंदर, चाहे वो फ्रूट सैलड हो, चाहे वो फ्रूट शेक हो, या आपका मिक्स फ्रूट प्लेट हो, जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगे. कैफीन या चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल थोड़ा लिमिट करें, क्योंकि इससे एसिडिटी बढ़ सकती है. तो आइडियली पानी के 1 से 2 या 3 ग्लास विथ सहरी के अंदर लस्सी ज़रूर रखें, प्लस अपना जो भी अंडा या प्रोटीन आपने लेना है, इसमें कीमा भी आ सकता है, चिकन भी आ सकता है, बॉयल्ड एग भी हो सकता है, ऑमलेट भी हो सकता है विद होल व्हीट चपाती, या मल्टी ग्रेन ब्रेड यूज़ कर लें, तो ये सहरी बहुत अप्रोप्रिएटली आपका अच्छा रोज़ा गुजार देगी. ठीक है. अच्छा अंबर, आई एम श्योर आपको भी इस बात सवाल का जवाब मिल गया होगा, क्योंकि आप भी पूछ रही हैं सहरी में क्या खाया जाए. तो हमने काफ़ी चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं कि सहरी में आप किस तरह से अपनी एसिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं और आपका रोज़ा अच्छा गुजर सकता है. डॉक्टर असमा, एक खातून है, 7 months प्रेग्नेंट हैं, रोज़ा रखना चाह रही हैं, लेकिन GDM उनको डायग्नोस हो गई है, तो आप क्या समझती हैं कि क्या करना चाहिए उन्हें? सो डायबिटीज़ में स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं, जिसमें हम जो एडवाइस करते हैं अपने पेशेंट्स को कि अगर आप रोज़ा अवॉइड कर सकते हैं तो करें, बहुत कोशिश करें कि ना रखें. और उसमें प्रेगनेंसी जो है वो एक सिचुएशन है, जैसे अगर बहुत बूढ़े लोग हैं या जो इंसुलिन पे हैं और बहुत हाई डोज ऑफ इंसुलिन पे हैं और प्रेगनेंसी भी उसमें आता है, तो सबसे पहले तो मेरी एडवाइस होगी कि अगर प्रेगनेंसी में वो लोग भी जिनको प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ है लाइक टाइप 1 टाइप 2 पहले से, और वो वाले पेशेंट जिनको प्रेगनेंसी है और जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, मतलब वो वाली डायबिटीज़ जो सिर्फ प्रेगनेंसी में होती है और प्रेगनेंसी के बाद ख़त्म हो जाती है, दे शुड अवॉइड यू नो फास्टिंग. लेकिन अगर फिर भी बहुत ज़रूरी है, अगर फिर भी यू नो वो रखना चाहते हैं, तो उसमें अगर वो पेशेंट्स मेडिकेशंस पे हैं, जैसे ज़्यादातर पेशेंट ग्लूकोफेज पे होते हैं, तो उसको अपने डॉक्टर से एडजस्ट करवा लें. और अगर इंसुलिन पे हैं तो उसमें भी एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है, बिकॉज आपके फीटस के लिए, बच्चे के लिए हाई ब्लड शुगर्स भी अच्छी नहीं है और लो ब्लड शुगर्स भी अच्छी नहीं है, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ड्यूरिंग फास्टिंग. ठीक. फराब, आपके लिए क्वेश्चन है, हाइपरटेंसिव एक खातून है, वेट लॉस चाह रही हैं, बे इंतहा वज़न बढ़ा हुआ है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही हैं क्या खाएं सहरी में, क्या खाएं इफ्तार में. अच्छा, पहले तो ये कि आपने जो मेन जो परहेज़ करना है वो है आपका टेबल सॉल्ट से. इसमें चाट मसाले, काला नमक वगैरह सारे शामिल हो जाते हैं, इवन प्रोसेस फूड्स भी, बिकॉज वो भी प्रिजर्व करने के लिए हमने काफ़ी सारे प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो भी आपके कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं वेट गेन और ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में. प्लस टेबल सॉल्ट का रीज़न एक ये भी है कि वो पानी को एब्जॉर्ब करता है, तो अक्सर ये भी होता है कि वज़न की वजह से ज़्यादा सूजन हो जाती है बॉडी में, तो उस चीज़ को भी अवॉइड करना है. प्लस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एक एडवाइस यहाँ पे ये कि कार्बोनेटेड ड्रिंक से कभी भी आपने अपना इफ्तार नहीं खोलना है, हमेशा कोशिश करें कि या तो कोई नॉर्मल पानी हो या एक ग्लेट. एग्जैक्टली, क्योंकि अक्सर ज़्यादा लोग यही करते हैं कि जी ये जो भी नॉर्मल कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं उसी को ही हम एज अ अफ्तार उससे पहले खोल लेते हैं, बिकॉज अभी ये वाले टाइम ड्यूरेशन में डिहाइड्रेशन का एलिमेंट है, प्यास बहुत जल्दी लग जाती है. प्लस आपने जो है लीन मीट यूज़ करना है, इधर वो आप अंडा पूरा खा सकते हैं. रिसर्चेज अब काफ़ी चेंज हो गई हैं फॉर योक एज वेल, के जी कार्डिक पेशेंट्स हों, इवन हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हों, दे कैन टेक फुल एग, तो आप एक दिन में पूरा अंडा खा सकते हैं. ठीक है, वेरी नाइस. डॉक्टर अस्तम, गॉल ब्लैडर पॉलिप्स के हवाले से पूछ रहे हैं, गॉल ब्लैडर में पॉलिप्स हैं तो कोई स्पेशल डाइट होनी चाहिए रमज़ान में इसके लिए? इसमें गॉल ब्लैडर पॉलिप्स के लिए कोई स्पेशल डाइट तो नहीं है, लेकिन अगर ये कोलेस्ट्रॉल पॉलिप्स हैं तो लॉन्ग रन में इनकी लिपिड प्रोफाइल और इस चीज़ को चेक करना होता है और उसको मेनटेन रखने, अदरवाइज कोई ख़ास स्पेशल डाइट की ज़रूरत नहीं है गॉल ब्लैडर पॉलिप. ठीक है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. आप लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछिए, क्योंकि अक्सर ये भी होता है कि एक सवाल अगर कोई एक इंसान पूछता है तो उसके 10 व्यूअर्स होते हैं जिनके वो आंसर मिल रहे होते हैं, सो इट्स रियली गुड फॉर ऑल ऑफ अस. और मोती ये बताएं, ये पूछ रहे हैं कि अंडा और टमाटर एक साथ पकाना कोई मसला है? बिल्कुल नहीं, इवन अगर दोनों के मैं बेनिफिट्स डिस्कस करूं तो अंडा इटसेल्फ इज़ कम्प्लीट प्रोटीन, इट्स अ कम्प्लीट मील फॉर यू. और अगर उसमें टमाटर या प्याज वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं तो रिसर्च प्रूवन है कि टमाटो इज़ एंटी कैंसर, कैंसर से बचाती है. तो टमाटर का थोड़ा सा भी जिस टेम्परेचर पर हम एग बनाते हैं, अंडा बना रहे होते हैं, तो उसमें भी इसके न्यूट्रिएंट्स लॉस नहीं होते, सो इट इज़ बेनिफिशियल इन बोथ वेज. अगर आपको फ्लेवर करना है ऑमलेट को चीज़ से या टमाटो से या वेजिटेबल से, तो वो और हेल्दी एंटीऑक्सीडेंट रिच हो जाएगा. वेरी नाइस. और ऑमलेट अगर आप सहरी पे खाते हैं तो आपको अच्छी प्रोटीन सोर्स मिलती है, जिससे आप काफ़ी देर तक फिलअप रह सकते हैं. डॉक्टर असमा, एनी स्पेसिफिक फूड फॉर एस्थमेटिक एंड एलर्जिक पेशेंट्स?
آسما اور الرجی جو ہے وہ اس میں بس آپ نے وہی والے فوڈ اوائڈ کرنے ہیں جو کہ آپ کے آسما کو ایگریویٹ کر سکتے ہیں, جس میں اگر آپ کو الرجی ہے فش جو ہے وہ فوڈ سے یا پینٹس ہو گئے یا ان چیزوں سے اگر الرجی ہے تو آپ نے اوائڈ کرنے ہیں, بٹ اپارٹ فرام دیٹ نتھنگ. اچھا, ایک اور کوشچن آپ ہی کے لیے آیا ہے کہ عمر صاحب پوچھ رہے ہیں کہ میری مدر کو ریسنٹلی ڈائگنوز ہوا ہے ہائپر تھائرائڈ, شی ہیز اسٹارٹڈ تھائروکسین. جی جی, تو کوئی اسپیشل ریکمنڈیشن ہے رمضان کے حوالے سے؟ تھائرائڈ ریلیٹڈ اس میں کوئی اسپیسیفک ریکمنڈیشن نہیں ہے. اگر پیشنٹ جو ہیں وہ تھائروکسن پہ ہیں آپ نے کہا, سو دیٹ مینس کہ ہائپو تھائرائڈ ہیں, مطلب ان کا تھائرائڈ ویک ہے, تو اس میں بس میڈیسن میں آپ نے بہت جو ہے وہ اس میں احتیاط کرنی ہوگی, بیکاز تھائروکسن جو ہے وہ آپ نے بغیر ناشتے سے پہلے جو ہے وہ آدھے سے ایک گھنٹے پہلے لینا ہوتا ہے. سو اس میں ٹائمنگس بہت وہ ہونے چاہیے, بیکاز زیادہ تر رمضان میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ صبح اٹھتے ہیں اور فوراً ہی آپ سحری کرتے ہیں. سو اس میں آپ نے یہ اوائڈ کرنا ہے کہ فوراً ہی آپ نے تھائروکسن لی اور سحری کر لی, آپ نے اس میں ٹائم ڈیوریشن جو ہے وہ ایٹ لیسٹ ہاف این آور ضرور دینا ہے, بیکاز اس میں تھائروکسن پراپرلی ابزارب نہیں ہوتی اگر آپ اس کو فوڈ کے بالکل قریب لیتے ہیں. تو ٹھیک ہے, ویری نائس. مودی, ہائی کریٹینن ڈائٹ کیا ہوتی ہے؟ کریٹینن بیسیکلی جب بڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ باڈی میں کہیں نہ کہیں ڈفرینٹ چینجز ہو رہے ہیں. سب سے پہلے کڈنی فیلئر کی طرف جا رہی ہے یا گردے کی خرابی کا انڈیکیشن ہے. تو کریٹینن ہائی ہونے کی صورت میں سب سے امپورٹنٹ تو یہ کہ آپ اپنی ڈائٹیشن سے کنسلٹ کریے, جتنے آپ جو بھی ڈاکٹرز آپ کو فالو کر رہے ہیں, آپ کے نیفرولوجسٹ یا کڈنی اسپیشلسٹ, انہوں نے جو لیبس کروائی ہوں گی ہم ان کو دیکھتے ہوئے کنسیڈر کرتے ہوئے ہی ڈائٹ پلانس بناتے ہیں. تو اس میں بیسکلی پروٹین کنٹرول کرنا ہوتا ہے, تو اس میں ڈپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کا ویٹ کتنا ہے اور اس حساب سے ہم پروٹین کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. آئیڈیلی ایک بالکل جنرل گائڈ لائن یہ کہ اگر 2 اینڈ ابو آپ کا کریٹینن 2 یا اس سے زیادہ ہوا ہوا ہے تو اپنی ڈائٹ میں پروٹین کو کم از کم 50-55 گرامس تک رکھیں, لیکن یہ ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کا ویٹ کتنا ہے. وائٹ میٹ کو ہم پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں ان دا سینس کہ ہم فش یا دیسی چکن ہفتے میں 1-2 یا 3 دفعہ لے لیجیے, باقی بینس دالیں اور ویجیٹیبل کا استعمال جیسا روٹین میں آپ کا ہے وہ کریے, لیکن آپ ریڈ میٹ کو بھی 1 ویک یا ہفتے میں 1 دن کر لیجیے, تاکہ ایٹ لیسٹ آپ کا پروٹین کے لاسز جو مسل ماس کی فارم میں ہو رہے ہوتے ہیں مال نیوٹریشن کی شکل میں وہ بھی نہ ہو اور آپ کی بیسک جو جسم کی پروٹین کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی پوری ہو جائے. ٹھیک ہے, اب یہ جو کوشچن آ رہا ہے اس میں آپ سب کے تھوڑے تھوڑے مجھے ریویوز چاہیے ہوں گے کیٹوجینک ڈائٹ کے حوالے سے, بتائیے رمضان میں ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی, اور اگر اچھی ہے تو کیوں ہے, اگر بری ہے تو کیوں ہے؟ روزے کے دوران ویسی آپ فاسٹنگ اسٹیٹ میں ہوتے تو آپ کی باڈی ویسی کیٹوسس میں جاری ہوتی ہے, تو کیٹوجینک ڈائٹ جو ہے وہ ویسی ایک اسپیشلائز ڈائٹ ہے جو کہ ڈائٹیشن اور ڈاکٹر کی کنسلٹیشن میوچل انڈرسٹینڈنگ اور کیلکولیشن کے ساتھ ڈیزائن کی جاتی ہے. تو بیفور گوئنگ فار دیٹ, روزے کے دوران تو ہم ریکمینڈ نہیں کریں گے, لیکن اگر روزے کے علاوہ باقی نارمل ڈیز میں اگر آپ کو کنسلٹ کرنا ہے تو آپ ڈائٹیشن سے اور ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کیجیے بیفور اسٹارٹنگ کیٹوجینک ڈائٹ. آپ کہیں گے اس بارے میں ڈاکٹر اسما؟ ڈائبیٹک پیشنٹس کے لیے تو میں ضرور کہوں گی کہ نہیں کرنا چاہیے, بیکاز جیسے موتی نے جو ہے وہ کہا ہے کہ اس سے کیٹوسس اور یہ ساری چیزیں, اور ڈائبٹیز میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو انسولین ڈیفیشنسی ہوتی ہے, انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے, تو ویسے ہی جو ہے کیٹوسس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں بیکاز آف پرولونگ فاسٹ اینڈ بیکاز آف ڈی ہائیڈریشن. سو ہم تو ویسے ہی ڈائبیٹک پیشنٹ سے کہتے ہیں کہ یو نو ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے, ہائی شوگر کی وجہ سے ان کو ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس, وچ از اے سچویشن جس میں کیٹوسس ہوتا ہے, اس کے ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کولیسٹرول اور یہ ساری چیزیں بھی جو ہے بہت خراب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. سو I would say, you know, کہ ڈیورنگ فاسٹنگ اٹ شوڈ بی اوائڈڈ, نہ ہی کریں تو بہتر ہے, ہیلدی ویل بیلنسڈ ڈائٹ رکھیں. ڈاکٹر رستم, کیا ہیپیٹائٹس بی کا پیشنٹ روزہ رکھ سکتا ہے؟ دیکھیں, ہیپیٹائٹس بی صرف یہ کہنا کہ ہیپیٹائٹس بی, اس کو اس کے گریڈ ہوتے ہیں, کئی لوگ کیریئر ہوتے ہیں, کئی لوگ جو ہے نا کرونک ایکٹیو ہیپیٹائٹس ہوتی ہے, کئی لوگ سیروسز ہوتے ہیں. سیروسز میں بھی ایک کمپنسیٹڈ سیروسز ہوتا ہے اور ایک ڈی کمپنسیٹڈ سیروسز ہوتا ہے. اگر کمپنسیٹڈ سیروسز ہے, کیریئر ہے, تو ایسی صورت میں روزہ رکھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, ان کی نارمل ڈائٹ, نارمل لائف سٹائل اور نارمل ایکٹیویٹی ہوتی ہیں تو یہ روزہ رکھ سکتے ہیں. سیروسز میں بھی اگر کمپنسیٹڈ ہے, اگر پیٹ میں پانی نہیں ہے, کبھی بے ہوشی کے دورے نہیں پڑے, کبھی ان کے اندر جانڈس نہیں ہے, ایسے لوگ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. لیکن پرابلم ایسا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ جن جو ڈی کمپنسیٹڈ ہیں, جن کو جانڈس ہے کلینیکلی یا جن کے ہاتھ یا پاؤں میں سوجن آ گئی ہے, ایسے لوگوں میں چونکہ جگر کام زیادہ نہیں کر رہا, اس کے اندر جو گلائیکوجن کا سٹوریج لمیٹڈ ہو جاتا ہے, تو ایسے لوگوں میں شوگر لو ہونے کے اور زیادہ ویکنیس ہونے کے امکانات ہوتے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ ایک دفعہ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے اپنی پوری ایویلیویٹ کرا لیں کہ ان کو روزہ رکھنا چاہیے یا روزہ رکھنے سے ان کی صحت پہ برا اثر پڑ سکتا ہے. تو ایسی صورت میں چونکہ مذہب نے بھی ہمیں اتنی لیوریج دی ہے کہ وہ اس میں روزے کی قضاء یا اس کے کفارہ کر سکتے ہیں, تو اس چیز کو آپٹ کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو کسی شدت میں ڈالیں.
اوکے تھینک یو سو مچ. اچھا فرا, رمضان بہت گرمی میں آئے ہیں آپ کو پتہ ہے, کس طرح سے اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھ سکتے ہیں, کون سے کھانے کھانے چاہیے جو کہ آپ کو زیادہ تھرسٹی, ٹپس تھوڑا سا آپ شیئر کر دیں. اچھا آئی وڈ سجیسٹ کہ ہم پانی کے جیسے منیمم اگر ڈوز کہیں کہ فار ایوری ون وہ ہے 8 گلاسز, تو منیمم آپ نے لینے ہی لینے, اس سے ایکسکریٹ کر جائیں تو ویل اینڈ گڈ. اگر آپ نے آپ کے ڈاکٹر نے یا کسی نے کسی میڈیکیشنس کی وجہ سے یا کسی میڈیکل اس کی وجہ سے کنڈیشنس کی وجہ سے اگر آپ کو پانی کی کوئی ریسٹرکشن نہیں بتائی ہے تو آپ آرام سے 8 سے اوپر گلاس پانی لے سکتے ہیں. ڈسٹریبیوشن اس کی یہ رکھ سکتے ہیں کہ آپ نے جو ہے سحری میں 3 سے زیادہ گلاس پی لیے, پلس افطار میں آپ نے جو ہے وہ لیمن واٹر لے لیا. اکثر لوگ جو ہے نا او آر ایس وغیرہ یا کوکونٹ واٹر کا بہت فریکوینسی سے استعمال کرتے ہیں, تو آئی وڈ ناٹ سجیسٹ کہ اس کو, اگر آپ کے الیکٹرولائٹس وغیرہ بیلنسڈ ہیں تو ٹھیک ہے, ادر وائز اس کو ریگولر بیسس پہ نہ لیجیے گا. اس کو جو ہے آپ نے ونس اے ویک یا فریکوینسی اس کی کر سکتے ہیں کہ ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ اس کو لے لیا, بیکاز اس میں الیکٹرولائٹس بہت کنٹین کرتے ہیں. تو یہ اکثر کچھ ہمارے ایسے کنڈیشنز ہیں جیسے کہ کڈنی ہو گیا یا کارڈک پیشنٹس میں, تو یہ پوٹاشیم اور یہ آپ کا سوڈیم ایک دم سے ریز کر دیں گے. ایک چیز میں یہاں ضرور آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی, جو ہمارے ٹپیکل سحری پہ ایک پلان بنتے ہیں لوگوں کے کہ نہاری کھا رہے ہیں اینڈ ایٹنگ آل دا اسپائسی فوڈس, یہ ایک مین ریزن بھی ہو سکتا ہے جو آپ کو پورے دن پیاس کی شدت, جتنا آپ سالٹی فوڈ کھائیں گے آپ کو پیاس اتنی زیادہ لگے گی. تو پلیز اس کا خیال رکھیں کہ سحری پہ کوئی ایسا اہتمام نہ کریں کہ آپ بازار سے نہاری لا کے کھا رہے ہیں یا کوئی ہائی اسپائسی فوڈس لے رہے ہیں, تو آپ کو پورے دن انکمفرٹیبل آپ رہ سکتے ہیں اس وجہ سے. ٹھیک ہے, اوکے. موتی, 9 سال کا بچے ہیں, بچہ ہے, بیٹی ہے خاتون کی, وہ رکھنا چاہ رہی ہیں روزہ, کیا ریکمنڈیشنز ہیں؟ یہ تو بچے کی اس وقت کرنٹ کنڈیشن پہ پتہ چلے گا کہ ویٹ کتنا ہے, ہائٹ کتنی, ایٹنگ ہیبٹس کیا ہیں. رکھ سکتے ہیں اگر وہ بہت انفلوئنسڈ ہیں, پیرنٹس الاؤ کر رہے ہیں, تو میرا آئیڈیلی آئی وڈ سجیسٹ کہ رمضان سے 1 ہفتے پہلے 1-2 دن روزہ رکھ کے دیکھ لیں. اگر کیونکہ اس وقت جو ہمارے رمضان آ رہے ہیں وہ ہیٹ ویو کے ساتھ آ رہے ہیں, تو کافی ہیٹ ہوگی, بچوں کو ڈی ہائیڈریشن بہت جلدی ہو جاتی ہے بیکاز وہ فزیکلی ایکٹیو بھی رہتے ہیں تھرو آؤٹ دا ڈے. تو کوشش کریں کہ پہلے ایک تو اپنے ڈائٹ پلانس کے ساتھ ساتھ پہلے 1-2 دن رکھ کے دیکھ لیں تاکہ لیٹس چیک کہ اگر اف یو کین ٹالریٹ روزہ, کیونکہ ایک دم سے پیاس لگے گی تو ہم اس کو پھر روزہ کھولنا پڑے گا بچے کو. ویری نائس. اوکے ویورز, پلیز کیپ سینڈنگ یور کوسچنز, اپنے سوالات بھیجتے رہیے, ہمارے سارے ایکسپرٹس آپ کے سامنے موجود ہیں. وی ہیو گیسٹرونٹرولوجسٹ, ڈائٹیشینز, انڈوکرائنالوجسٹ, سب آن بورڈ ہیں, اور آپ ضرور اپنے کوسچنز پوچھیے تاکہ سب کو فائدہ ہو اور زیادہ زیادہ لوگ اس کو دیکھ سکیں. فرا, ایک کوسچن ہے, ایک خاتون ہیں, ان کے فادر ہارٹ پیشنٹ ہیں, اسٹینٹ لگا ہوا ہے, کیا پریکاشنز ہونی چاہیے فاسٹنگ کے دوران؟ فاسٹنگ کے دوران تو یہ کہ اگر افطار میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے آئلی چیزوں سے نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے, واٹ وی سجیسٹ اس کہ اگر آپ نے ہائی فیٹ آپ نے لینا بھی ہے جیسے کہ پکوڑے سموسے, تو آپ نے اپنا میتھڈ چینج کر دیجیے, رادر دین ڈیپ فرائنگ آپ اس کو بیک کر سکتے ہیں, پلس آج کل ایئر فرائر بھی آیا ہوا ہے تو یو کین یوز دیٹ. پلس اگر بہت کبھی ایسا دل چاہے کہ لینے ہیں پکوڑے, ڈیپ فرائی لینے ہیں, تو پھر یہ کہ جی آپ نے اس کو ہفتے میں 1 سے 2 دفعہ اور اس کو چاہیں تو ٹیشو میں سوک کر سکتے ہیں, بیکاز جسٹ ریممبر کہ بیسن وغیرہ جو ہے نا وہ تیل کو ایبزارب کر لیتا ہے, تو ہم چاہیں بھی ٹیشو سے پوچھنا تو کچھ پرسنٹیج ویزیبلی باہر آتی ہے, لیکن جتنا اس نے سوک کرنا ہوتا ہے وہ سوک کر چکا ہوتا ہے. تو اٹس بیٹر کہ اس کو اوائڈ کریں, پلس وہی اگین کہ جی آپ نے نمکین چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے, فروٹس ویجیٹیبلس کا ان فارم آف سیلڈ اس کو زیادہ شامل کریں تاکہ کانسٹیپیشن وغیرہ کی کمپلین بھی نہ ہو, اینڈ پلس افطار اور ڈنر ایک ہی ٹائم پہ ہو جائیں, تو اٹس بیٹر رادر دین آپ پہلے افطار بہت پرومپٹلی کریں اور اس کے بعد 2 گھنٹے کے بعد یو کین ہیو انف ڈنر کہ جی آپ نے اس سے پہلے کچھ نہیں کھایا ہوا. بالکل, ایک آئیڈیل ٹائم یہی, بیکاز وی ہیو ویری لانگ فاسٹ, لمبے روزے ہیں, ویسے بھی آپ کا عشاء کا ٹائم ہو ہی جائے گا, مغرب کے بعد فوراً عشاء ہو رہی ہے, تو اگر آپ دونوں ٹائم کو ایک جگہ مرچ کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا آپ کے لیے. جتنا لائٹ کھائیں, جتنا ہلکا رکھیں اپنے آپ کو, آپ کے رمضان اتنے زیادہ بہتر گزریں گے. ڈاکٹر اسما, کوشچن آیا, حبیبہ کہہ رہی ہیں آئی ایم اے لو شوگر پیشنٹ, بریسٹ فیڈنگ مدر بھی ہیں, ان کی سوال یہ کہ میری شوگر 55 to 60 کے درمیان رہتی ہے اور بریسٹ فیڈنگ مدر بھی ہیں, تو روزہ رکھ سکتی ہیں؟ سب سے پہلے تو معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ لو شوگرز کیوں ہوتی ہیں, بیکاز کچھ لوگوں میں لو شوگرز اس وجہ سے بھی ہوتی ہیں جن میں ٹینڈنسی ہوتی ہے ڈائبٹیز ہونے کی فیوچر میں, جس کو ہم ری ایکٹیو لو بلڈ شوگرز کہتے ہیں.
सो अगर आपकी लो ब्लड शुगर्स होती हैं तो रोज़े अवॉइड करने चाहिए, लेकिन अगर रोज़े नहीं अवॉइड कर सकती हैं तो इस तरह की डाइट का इस्तेमाल करें जो कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ना हो, बिकॉज उसमें होता यह है रिएक्टिव लो ब्लड शुगर्स में कि जब आप बहुत ज़्यादा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो सबसे पहले आपकी शुगर हाई होती है और फिर फ़ौरन नीचे लो हो जाती है, दैट्स वाई यू हैव सिम्टम्स। सो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को रिप्लेस करें विद कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो अगर आप सहरी और इफ्तार पर इस तरह की चीज़ें खाएंगे तो लो ब्लड शुगर्स होने के चांसेस जो है वो कम होंगे। और अगर ऐसी चीज़ नहीं है तो फिर हमें कॉज ढूंढना होता है कि लो ब्लड शुगर्स होने के क्या और क्या वजूहत हैं जिसके लिए आपको किसी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिलने की ज़रूरत है। ठीक है, मोती क्वेश्चन है, एक खातून पूछ रही हैं, आई वांट टू रिड्यूस वेट इन रमज़ान, विच टाइप ऑफ फूड एंड क्वांटिटी। बेसिकली पूछना चाह रही क्वांटिटी कितनी खाऊं सहरी में और इफ्तार में, और क्या मुझे कोल्ड शरबत अवॉइड करने चाहिए। बड़ा मासूमाना सवाल है। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आप पोर्शन कंट्रोल कर लेंगे अफ्तारी में तो फिर उसकी वजह से आपके वेट लॉस बहुत आसानी से हो जाएगा। लेट्स सपोज एक मैं एक सैम्पल डाइट प्लान बताती हूँ। आपने 2 खजूर से रोज़ा खोला, आपने 1-1.5 ग्लास पानी पी लिया, उसके बाद आप जब अफ्तारी के लिए बैठे तो कोशिश करें आपके जो खाना है जो डिनर है वो बना हुआ हो साथ में। तो सीक्वेंस इस तरह रखें कि आप बीच में पानी ज़रूर पीते रहिए। शरबत अगर लेना है तो एडिड शुगर वाले शरबत मत लें, जैसे लेमनेड है या लस्सी है या कोल्ड मिल्क जिसमें हम तुख बलंगा डाल के चिया सीड्स हम जैसे कहते हैं, बेजल सीड्स हम जैसे कहते हैं, हम उसका शरबत ले सकते हैं। वो बहुत हेल्दी है, एज अ मील भी वो आपको काम आएगा। फिर उसके बाद आप छोले या बीन सैलड बन सकती है, बॉयल्ड छोले विद लॉट ऑफ खीरा टमाटर वगैरह उसमें डाल के, योगर्ट ज़्यादा डाल के यूज़ करें, सब्जियां जितनी ऐड करेंगे वो उतना ही फिलिंग होगा, उतना ही जल्दी आपका पेट भरेगा। और बाकी 1 चपाती या 1.5 चपाती मैक्सिमम आप खाने के साथ ले सकते हैं। अफ्तारी भी क्योंकि पकौड़े समोसे भी होते हैं तो डेफिनेटली उसमें देखना पड़ेगा कि आपने फ्राइंग चीज़ें कितनी रखी हैं। अगर 3-4 किस्म के पकौड़े और समोसे भी हैं तो 1 समोसा या मैक्सिमम 2 छोटे पकौड़े इज़ इनफ, क्योंकि अभी आपने फ्रूट चाट भी खाना है। तो कोशिश करें कि अपने पानी के साथ साथ इन बिटवीन मील्स पानी पीते जाइए, जिससे आपका पोर्शन कंट्रोल रहेगा। फ्राइंग फ्रीक्वेंसी हफ्ते में 7 दिन के बजाय अगर अल्टरनेट डेज पे फ्राइंग हो जाए या 1 दिन छोड़ के आप फ्राइंग करें तो उसमें काफ़ी कैलोरी कंट्रोल हो जाता है। ये ज़रूर करें आफ्टर लाइक इशा की नमाज या तरावी के बाद, लेट नाइट ईटिंग मत करें बिकॉज आपको 2-3 घंटे के बाद फिर सहरी के लिए उठना है। तो कोशिश करें कि लेट नाइट आप कोई फ्रूट सैलड या फ्रूट चाट या खाली 1 फ्रूट विद 1/2 कप योगर्ट या 1 ग्लास दूध के साथ आप ज़रूर ले लीजिए। कंप्लीट वापस से जितना बार बार आप इफ्तारी की चीज़ें आफ्टर तरावी या नमाज भी लेते रहेंगे, लेट नाइट लेंगे, तो उससे डेफिनेटली फिर वेट भी गेन होगा आपका। ठीक है, वेरी नाइस। मैं मोती खान के इस रिप्लाई के साथ आपको ज़रूर एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में रमज़ान स्पेशल डाइट क्लिनिक का आगाज़ हो चुका है जो कि मंडे टू फ्राइडे यानी पीर से जुमा कंडक्ट होंगी रोज़ाना। आप अपने अपॉइंटमेंट्स बुक करा सकते हैं। ये रमज़ान स्पेशल डाइट क्लिनिक इसलिए बनाई गई हैं कि आप वहाँ आएँ, अपनी कंडीशन के हवाले से अपना डाइट प्लान रमज़ान के हवाले से स्पेसिफ़िकली बना सकते हैं, ख़ासतौर से वो लोग जिनको वेट के बहुत इशूज़ होते हैं और उनको कुछ नहीं पता, समझ नहीं आ रहा होता कि क्या खाया जाए। सो डेफिनेटली वी आर देयर टू हेल्प यू। तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं 1111-911 पर। ठीक है, ओके। फरा, रमज़ान में एक्सरसाइज कर सकते हैं वाइल फास्टिंग, ठीक है, और कार्डियो सही रहेगी, कौन सी सही रहेगी? अच्छा, अफ्तार ये वाइल फास्टिंग हम यूजली रिकमेंड नहीं करते हैं। इट्स बेटर कि आपने अफ्तार के बाद उसको कर लिया। इफ़ यू थिंक कि आप इतने कैपेबल हैं, डिजीनेस वगैरह नहीं है, अक्सर लोग जिनको डायबिटीज़ होती है उनको हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वी डू रिकमेंड कि आप अफ्तार के बाद 2-1.5 घंटे के बाद कर लें। और कुछ लोग जिनको तरावी वगैरह जो परफॉर्म करते हैं तो वो भी एक्सरसाइज में कंक्लूड हो जाती है। ठीक है, कार्डियो तो देखिए बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, स्पेशली ड्यूरिंग फास्टिंग। आप खुद सोचें आप कैसे कार्डियो कर सकते हैं। तो एटलीस्ट आप 60 मिनट्स बिफोर कोई भी एक्सरसाइज लाइट इंटेंसिटी की कर सकते हैं, लाइट टू मॉडरेट, जैसे कि वॉक कर लें, ठीक है, या फिर लो इंटेंसिटी वर्कआउट योगा कर सकते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल्स ना यूज़ करने पड़े। बेहतर टाइम होता है, नो डाउट वेट लॉस हो सकता है, लेकिन जैसे फरा ने कहा कि अगर आप हाई इंटेंसिटी करना चाह रहे हैं कार्डियो टाइप की चीज़ या मसल ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तो वो आफ्टर 2 आवर्स आफ्टर अफ्तारी करें। और जाहिर सी बात है इतनी आपको ज़बरदस्त टिप्स मिल रही हैं कि अफ्तारी में क्या खाएं तो उसको ज़रा कंसिडर करें, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं आप शरबत का गिलास पिए, पकौड़े खाएं और फिर आप 2 घंटे बाद एक्सरसाइज करें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चंस, बहुत ज़बरदस्त आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर रुस्तम, एक थोड़ा क्वेश्चन है हमारा जो हम पूछना चाहेंगे आपसे। आपकी क्लिनिक में यूजुअली रमज़ान में गैस्ट्रो के हवाले से कोई ऐसा केस आता है जिसमें ये हो कि जी मैंने रोज़ा रखा तो मुझे ये मसला हो गया?
जी हाँ, क्या कई लोग हैं खास तौर पे ये डिस्पेप्सिया जिसको हम कहते हैं, पेट में जलन, पेट में फूल फूल जाते हैं, कि गैस ज़्यादा भर रही है, जी कॉन्स्टिपेशन खास तौर पे, कि क्योंकि लोग पानी का इस्तेमाल सही नहीं करते, खाने में फाइबर्स का ज़्यादा ख्याल नहीं करते उसको, उसके लिए तो ऐसी सूरत में कॉन्स्टिपेशन और पेट में जलन, तेजाबियत और ये इस तरह के कंप्लेन बहुत ज़्यादा ठीक होती हैं। ठीक आपको यहाँ बताते चलें कि आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ने अपनी एक न्यू ऐप मुतारिफ कराई है, जिसे फैमिली हिफाजत ऐप कहते हैं, और ये ऐप आप बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के थ्रू आपको बहुत सी सहूलियात मैसर आएंगी, जिसमें आप अपने डॉक्टर से अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, आप अपनी लेबॉर्ट्री के हिसाब से अपनी लैब्स चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो भी आपकी मेडिकल इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप उस पर ज़रूर शेयर कर सकते हैं, ज़रूर देख सकते हैं बआसानी। इस हवाले से एक वीडियो है, वो आप मुलाहिज़ा कीजिए। आई एम श्योर आपने ये ऐड देखा होगा, हमारा वीडियो देखी होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। इस ऐप के थ्रू आप बहुत सारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, अपने मेडिकल रिकॉर्ड ट्रैक कर सकते हैं, अपनी डिस्चार्ज समरी देख सकते हैं, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स देख सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको ये ऐप ज़रूर डाउनलोड करनी चाहिए। मुझे तो बहुत एक्साइटिंग चीज़ लग रही है, क्योंकि इसमें आपको फ़ोन पर ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ेगा फॉर योर टर्न। अच्छा जी डॉक्टर असमा, PCOS के साथ एक क्वेश्चन आया है कि उनके लिए आप थोड़ा सा वेट लॉस टिप्स, क्योंकि हमें पता है PCOS इज़ रियली, जिनको PCOS होती है उनको वज़न कम करना मुश्किल हो जाता है, तो रमज़ान के हवाले से कोई स्पेशल टिप है आपके पास PCOS जिन ख़वातीन को होती है? रमज़ान तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन ख़वातीन के लिए जिनको PCOS है, जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं, जो यूजुअली ख़वातीन में होती है जो कि रिप्रोडक्टिव एज की होती हैं, मतलब 14 से 15 साल से लेकर अराउंड 40-45 ईयर्स तक, जिसमें डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस होते हैं। और उसमें सबसे मेन जो प्रॉब्लम होता ही होता है कि बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत होती है, कि उनका इंसुलिन लेवल ज़्यादा होता है, तो मतलब इंसुलिन बन रही है बॉडी में ज़्यादा, बट जो बन रही है वो इनफेक्टिव है। और उसका जो मेन जो ट्रीटमेंट होता है, वो तो बहुत सारे और भी ट्रीटमेंट हैं, लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट होता है कि आप वेट लूज़ करें तो वो बेहतर होगा। तो रमज़ान मैं कहूँगी कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिस बिकॉज़ अब तो इस पे इंटरनेशनल स्टडीज़ हैं, इंटरनेशनल डेटा है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत रोल है। तो जो चीज़ें हम पहले से कह जो हमारा रिलीजियस वाइज हम करते आ रहे हैं, अब जाके जो है अंग्रेज़ों ने उस पर वो तहकीक कर दी है कि हाँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत हेल्प करता है। सो आई वुड से कि रमज़ान में अगर उसको रमज़ान के तौर पे ही लिया जाए, जैसे सारी हमारी न्यूट्रिशनिस्ट जो है बताया है कि हम पूरा दिन जब इंटरमिटेंट फास्टिंग करती है, जो फास्टिंग करते हैं उसके बाद जब टेबल पे बैठते हैं और सारे फ्राइड आइटम्स खाते हैं, तो हम उसका सारा जितनी भी अफादियत होती है वो लूज़ कर देते हैं। तो अगर हम उसको ना करें तो फिर वेट लूज़ करने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। तो अगर आप अपनी डाइट पर फोकस करें, अगर मेडिसिन में हम जो है वो अगर आपके डॉक्टर ने आपको ग्लूकोफेज प्रिस्क्राइब किया हुआ है तो वो भी ज़रूरी है कि उसको कंटिन्यू करें, बिकॉज उसमें लो शुगर होने के चांसेस कम से कम होते हैं। सो ये पूरे महीने में आप बहुत अच्छा वेट लूज कर सकते हैं अगर आप उसको अच्छा अगर किसी को ये मेडिसिन जी 3 दफ़ा बोली गई है जी, तो जाहिर है रमज़ान में तो वो 2 दफ़ा खा सकेगा, बिल्कुल, तो इज़ दैट ओके? जी बिल्कुल, ऑब्वियसली बीच वाली डोज आपने निकालनी होती है, बिकॉज आप लंच नहीं ले रहे हैं। और ज़्यादातर हम ये भी करते हैं PCOS पेशेंट्स में भी, डायबिटिक पेशेंट्स में भी, और वो लोग जिनको मेटफॉर्मिन या ग्लूकोफेज या न्यूडिपार प्रिस्क्राइब की जाती है वज़न लूज़ करने के लिए, कि ज़्यादातर हम ये कहते हैं कि सुबह की डोज़ वो स्किप भी कर सकते हैं। इस वजह से क्योंकि अगर आप सुबह की डोज़ देते हैं, ऑल्दो इसमें कम चांसेस होते हैं लो ब्लड शुगर होने के, लेकिन आपने पूरा दिन कुछ नहीं खाया होता है तो समटाइम्स यू फील फटीग, लेथार्जी होती है आपको, थकावट होती है, तो ज़्यादातर डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि आप सुबह की डोज स्किप कर सकते हैं, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर सर्कमस्टांसिस के बाकी आपकी शुगर लेवल कैसा है और चीज़ें कैसी हैं। सो वही बात है कि हर एडवाइस ओवरऑल हर पेशेंट को नहीं दी जा सकती, इट वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, बट ज़्यादातर PCOS के पेशेंट में या जो लोग नॉन डायबिटिक हैं उसमें हम प्रिस्क्राइब करते हैं कि सुबह की डोज दे कैन स्किप।
ठीक है, वेरी नाइस। आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछते रहिए, हमारे पास बहुत थोड़ा सा कम टाइम रह गया है, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो प्लीज़ अपने क्वेश्चंस पूछिए और हम आपको बिल्कुल लाइव आंसर करेंगे। मोती ये बताइए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, उसके एग्जांपल्स क्या हैं, और क्या डायबिटिक पेशेंट केला खा सकता है? सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो कि बहुत कॉमन हम पेशेंट्स हम लोग से पूछ रहे होते हैं कि हम केला खा सकते हैं कि नहीं। केले के अंदर एक मीडियम 6 इंच केला, 6 इंच का जो केला होता है उसके अंदर अराउंड 60 कैलोरीज हैं और उसमें अराउंड 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो ईजिली आप ले सकते हैं, केले के अंदर खाली कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, उसमें कैल्शियम भी है, तो विटामिन सी कैल्शियम है जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। डायबिटिक्स के लिए स्पेशली रिकमेंडेशन ये होती है कि 1 to 2 फ्रूट्स इन अ डे वो खा सकते हैं, लेकिन रोज़े के दौरान ज़ाहिर अगर आपने फ्रूट्स लेने हैं तो 1 कप कट फ्रूट आप एट अ टाइम अफ्तारी के वक्त या सहरी में खा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये सवाल है कि हमारे पास वज़न प्लस PCOS का जो है, जैसा डॉक्टर असमा बताई थी, मेरे माइंड में अभी फिल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वाले कॉन्सेप्ट में आपको बताऊं, बॉडी जब हम रोज़ा रखते हैं तो डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ जा रही होती है। इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में क्लेंजिंग हो रही है, ब्लड की क्लेंजिंग हो रही है थ्रू डाइट। हमें सबसे इम्पॉर्टेंटली अपने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में टॉप ऑफ द लिस्ट ओट मील या दलिया, जौ या गंदम का दलिया ज़रूर ऐड करें। वो आप चाहे सहरी में ले लें या अफ्तारी में भी आप ले सकते हैं। दलिये को आप दाल के साथ, प्रोटीन के साथ भी मिक्स करके बना सकते हैं। सैलड्स जितनी आप लेंगे, जिस तरह मैंने बीन सैलड और चिकपी सैलड की या छोलों की चाट की एक एग्जाम्पल दी थी, उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। बेसिकली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वो सोर्सेज हैं जिसमें फ़ाइबर या रेशे की मकदार अच्छी होती है। वाइट ब्रेड या मैदे के बजाय वीट फ्लावर या गंदम की रोटी, गंदम की चपाती, ब्रान ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड, ये ऐसी सोर्सेज हैं जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में आती है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जो हम ऐड ऑन कर सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज हम जिसे कहते हैं, ज़रूर अफ्तारी में या सहरी में सीरियल्स में डाल के या आप अपनी रोटी के अंदर डाल के फ्लैक्स सीड्स का यूज़ ज़रूर करें। थोड़ा सा उसको आपको छोटे से बीज होता है, बहुत कॉमनली अवेलेबल है मार्केट में, फ्लैक्स सीड्स को आपने रोस्ट किया, भून किया, आपने उसको ग्राइंड करके बॉटल में रख लिया और 1 teaspoon आप चाहे उसको सीरियल में डाल लें, ओट मील्स में या दलिया में डाल लीजिए, या आप उसको चपाती में डाल के अब यूज़ कर सकते हैं। इससे सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट जो है इन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज का ये होगा कि आपको भूख बहुत जल्दी नहीं लगती, ये स्टमक में डाइजेशन में थोड़ा टाइम लेते हैं, और जिन लोगों को वेट मैनेज करना है ये भूख भी कंट्रोल करेगा, प्लस आपका डायबिटीज़ कंट्रोल भी एक्सेलेंट होगा। ठीक है, वेरी नाइस। डॉक्टर रुस्तम ये बताइए, ये मेरा अपना सवाल है कि रमज़ानों में बड़ा ऑल यू कैन ईट स्टार्ट हो जाता है, होता है अफ्तारी के बाद जी पिज़्ज़ा खाएँ बहुत सारा जितना खा सकें, आप क्या समझते हैं इसका आपके डाइजेस्टिव ट्रैक पे क्या असर हो सकता है जब इतना सारा अमाउंट में आप खाएंगे? ज़ाहिर है अगर बहुत ज़्यादा खाएंगे तो स्टमक को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, इंडाइजेशन की कंप्लेन होगी, बहुत ज़्यादा बर्पिंग होगी, बहुत ज़्यादा पेट में जलन और रिफ्लक्स के सिम्टम्स होंगे। तो हर चीज़ को मॉडरेट में अगर आप रखेंगे तो आपकी हेल्थ बेहतर रहेगी। ओवर ईटिंग किसी हाल में भी के बेनिफिशियल नहीं है और इसके नुकसान आते हैं। डेफिनेटली फरा ये बताइए, एक सवाल पूछे हैं, हाउ टू मेंटेन HDL एंड LDL लेवल्स इन रमज़ान? आपका थ्रू एक्सरसाइज वगैरह ही इंक्रीज होता है। LDL को यू कैन रिड्यूस थ्रू आपकी डाइट, जिसमें आप फ्लैक्स सीड्स का जैसे बेनिफिट अभी मोती ने बताया, तो उसमें एड ऑन ये भी है कि उसमें खसूसियात है Omega-3 Omega-6 फैटी एसिड्स की, और प्लस उसमें फाइबर भी ज़्यादा है। तो जो लोग फिश या सी फूड्स वगैरह से एलर्जी है या रोज़ नहीं ले सकते, तो दे कैन हैव फ्रॉम दैट कि आपने फ्लैक्स सीड्स ऐड कर लिए तो वो आपको बेनिफिट वहाँ से मिल जाता है। प्लस सिनेमन पाउडर जो है वो भी रिसर्च बेस्ड है कि वो भी आपके कोलेस्ट्रॉल को लेवल्स को कम करने में इम्प्रूव करता है। एक चीज़ होती है ट्राइग्लिसराइड, जिसको हम अक्सर अवॉइड कर देते हैं, और वही आपका ज़्यादातर लोगों का बढ़ा हुआ होता है, जो कि ज़्यादातर अमाउंट ऑफ फूड जिसके कैलोरीज जितना ज़्यादा दे रहा होता है वो उसमें कन्वर्ट होता है। तो डू रिमेंबर कि आपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये बार बार हम यही कह रहे हैं कि उसको शामिल ज़रूर करना है, बिकॉज फाइबर कंटेनिंग चीज़ें जितनी भी होंगी वो आपका हेल्प डाउन करती हैं टू लोअर दीज थिंग्स। ठीक है, थैंक यू सो मच। डॉक्टर असमा, क्या डायबिटिक पेशेंट्स इफ्तार से पहले वॉक कर सकते हैं? अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज उसमें ब्लड शुगर लो होने के चांसेस होते हैं, लंबे रोज़े हैं, गर्मी ज़्यादा है, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करेंगे और स्पेशली अगर आप इंसुलिन पे हैं, तो बॉडी में कीटोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो इफ्तार से फ़ौरन पहले भी अवॉइड करनी चाहिए, एंड ड्यूरिंग यू नो रोज़ा भी अवॉइड करनी चाहिए। अगर कोई फॉर्म ऑफ एक्टिविटी आपने करनी है सो इट शुड बी डन आफ्टर इफ्तार। जी ठीक है, एक क्वेश्चन है, हाउ शुड वी ईट पोस्ट रमदान, और किस तरह से हम इस रूटीन को बैलेंस रख सकते हैं? ज़ाहरा ने पूछा है, कुछ इस किस्म की चीज़ पूछना चाह रही है कि क्योंकि हम रमज़ान पूरे रोज़े रखें और हम उस एक रूटीन के आदी हो जाते हैं,
تو اب ہم رمضان کے بعد کس طرح اس لیول کو مینٹین کر سکتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ آسان ترین چیز یہ ہے کہ جو رمضان اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر چینجز آئیں. تو آپ کی جو غذا ہے بہت میٹر کرتی ہے. آپ پوسٹ رمضان بھی اس روٹین کو فالو کر سکتے ہیں. آپ ہفتے میں ایک دن اپنا سیٹ کر لیں کہ آپ کو روزہ رکھنا ہے, وہ بھی ایک سنت ہوتی ہے, اس سے آپ کی اور زیادہ باڈی ہیلپ فل رہے گی. پلس یہ کہ پوسٹ رمضان کھانا بہت زیادہ نہ کھانا شروع کر دیں, کیونکہ آنیسٹلی اسپیکنگ جیسے عید ہوتی ہے ہم لوگ بہت زیادہ اماؤنٹ میٹھا کھانا ایک دم سے شروع کر دیتے ہیں. آپ کی باڈی کو اتنی عادت نہیں ہوتی, کیونکہ پورے رمضان اگر آپ بہت خیال کر کے چلتے ہیں تو ہر چیز کا بیلنس یعنی اعتدال جو کہ ڈاکٹر رستم اور موتی اور ہم سب بتا رہے ہیں آپ کو, اس کو فالو کرنا ضروری ہے. موتی, پروٹین پاؤڈرز کیا سیف ہے کنزیوم کرنا رمضان میں؟ ٹریننگ کر رہے ہیں, باڈی ویٹ ٹریننگ کر رہے ہیں, اور اگر وہ نہیں لیں تو نیچرل پروٹین انٹیک کے لیے کیا کریں؟ دیکھیے یوزلی پروٹین پاؤڈرز جو ہیں وہ جو ینگسٹرز ہیں جو جم کر رہے ہیں ان کو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں کہ پروٹین پاؤڈر یوز کریں. پروٹین پاؤڈر کا بینیفٹس اپنی جگہ, لیکن جو ڈائٹری سورسز آف پروٹین ہیں کھانے سے جو آپ پروٹین یا لحمیات لیں گے اس کی اپنے بینیفٹس ہیں. اول تو جم ہم ویسی اتنی اسٹرینس ایکٹیویٹی کو اوائڈ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں ڈیورنگ رمضان, تو پروٹین پاؤڈرز آپ بالکل اوائڈ کریں فی الحال. اسپورٹس نیوٹریشن یہی کہتی ہے, ریسرچز یہ کہتی ہیں کہ ایکسیسو فزیکل ایکٹیویٹی ڈیورنگ روزہ ہمیں ویسے بھی نہیں رکھنا چاہیے کرنی چاہیے. تو کوشش کریں کہ پروٹین پاؤڈرز کے بجائے آپ نیچرل پروٹینس کو فوکس کریں. ہمارا کانسیپٹ یہ کہ انڈا, گوشت اور فش جو ہے وہ سورس ہے خالی پروٹین کی, لیکن ہماری دالیں بھی بہت اچھی سورس ہیں. جو پروٹین پاؤڈرز میں سورسز یوز ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس ہائی بایولوجیکل ویلیو پروٹین کہلاتی ہیں. وہ ہمیں مٹن, بیف, چکن, فش, ایگز, چیز ہے, ملک ہے, ان سے آرام سے مل جائے گی. تو آئی وڈ اگین سجیسٹ کہ ڈائٹیشن سے کنسلٹیشن کیجیے, بیکاز پروٹین جو ہم کیلکولیشن بتائیں گے وہ اکارڈنگ ٹو انڈیویجول ویٹ کے حساب سے بتاتے ہیں. ایکسیسو پروٹین لینا بھی آپ کے لیے سیف نہیں ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر استم, اسٹمک پین اور برننگ ایشوز آفٹر ٹیکنگ میلس کیا کر سکتے ہیں؟ عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ کھایا ہے سحری کے بعد یا افطاری کے بعد اور بہت برننگ, ہارٹ برننگ بھی ہوتی ہے, اسٹمک پین ایک دم سے ہونے لگتا ہے, کیا کیا جائے اس میں؟ اس میں ڈائٹ میں اگر آپ ماڈیفیکیشن کریں, جیسے آپ پہلے بتایا کہ اس میں یوگرٹ ہے یا اس میں ملک ہے یا لسی ہے, اگر اس کا استعمال رکھیں گے تو یہ پیٹ میں جلن اور گیس اور تیزابیت بننے کے امکانات کم ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اوور ایٹنگ, خاص طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صبح بہت زیادہ کھانا کھا لیں گے تو پورا دن ان کی توانائی یا انرجی زیادہ اچھی مینٹین ہوگی, تو یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے. تو درمیانہ یا ماڈریٹ اس میں بھی رکھیں. بہت زیادہ اسپائسی اور بہت زیادہ چیلیز کا استعمال جو کریں گے اس میں بھی بلوٹنگ اور یہ پھر اسٹمک پین کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو میڈیسن ہے, جن لوگوں کو السر ڈیزیز ہے, معدے کی تیزابیت کا عارضہ ہے, تو ایسے لوگوں کو اپنی مارننگ کی ڈوز سحری سے پہلے اگر آپ لے لیں گے تو وہ شروع میں دن کے شروع میں ہی ان کے پیٹ کے اندر تیزابیت بننے کے امکانات اور اس کی اماؤنٹ کم ہوگی تو سمپٹم کم ہوں گے. تو اپنی دواؤں کو ایڈجسٹ کریں, اپنے میل کی اماؤنٹ کو, کوانٹیٹی کو اور اس کی کوالٹی کو مینٹین کریں تو اس طرح کے اسٹمک کے پین اور برننگ اور گیسز کے امکانات کو کم کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, ایک اور کوشچن آپ ہی کے لیے ہے. کولی سسٹیکٹمی ہوئی ہے خاتون کی لاسٹ ایئر, وہ کہتی ہیں میں کچھ بھی کھاتی ہوں مجھے لوز موشنز شروع ہو جاتے ہیں, تو کیا کر سکتے ہیں؟ جیسا ہوتا ہے, کیونکہ اس کے بعد جو بائل ہے نا, بائل پہلے اگر جو نارمل گال بلیڈر میں اسٹور ہوتا ہے اور آفٹر ڈائٹ آفٹر میل جو ہے نا وہ ایکسکریٹ ہوتا ہے, لیکن جب اس میں کولیسٹیکٹمی ہو جاتی ہے تو وہ بائل ڈائریکٹلی آنتوں میں ٹرکل کرتا رہتا ہے, تو ایسے میں بائل سالٹ کی وجہ سے بھی لوز موشن ہو سکتے ہیں. خاص طور پہ اگر ایسے لوگ اگر ڈائٹ میں چکنائی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو اس میں یہ زیادہ, تو ڈائٹ میں چکنائی کا استعمال کم رکھیں. اسمال اینڈ فریکوینٹ میل کا کنسیپٹ روزے میں تو ظاہر ہے نہیں آپ اپنا سکتے, ورنہ بغیر روزے کے میں اگر بہت زیادہ اوور ایٹنگ کو اوائڈ کریں تو اس طرح سے یہ اپنی یہ سمپٹمس کو بہتر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر اسما. ایک بڑا مسئلہ ہے جو ہم لوگ یوزولی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایک کانسیپٹ ہے کہ میٹفارمن ویٹ لاس کر دیتی ہے, بس کھانا شروع کر دیں ویٹ لاس ہو جائے گا. آپ کیا پیرامیٹر سجیسٹ کرتی ہیں کہ میٹفارمن اگر یا سمپل زبان میں گلوکوفیج جس کو بولتے کھا لیں تو اس کے کیا پیرامیٹرز ہیں؟ ہر کوئی تو نہیں یوز کر سکتا, اگر کر سکتا ہے تو کس طرح یوز کر سکتا ہے؟ اسپیسیفکلی کیا ویٹ لاس ہوتا ہے؟ جی بہت اچھا سوال کیا ہے. سو میٹفارمن جو ہے وہ ویٹ لوزنگ میڈیسن نہیں ہے, جی اٹس کال ویٹ نیوٹرل میڈیسن.
سو یہ ان یہ بیسکلی ڈائبٹیز میں ان لوگوں کو دی جاتی ہے, فرسٹ لائن مینجمنٹ ہے ڈائبٹیز میں, لیکن ان لوگوں میں زیادہ جو ہے وہ فادیت کرتی ہے جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے یا جو اوور ویٹ ہیں یا اوبیس کی کیٹیگری میں آتے ہیں. پولی سسٹک اوویرین سنڈروم میں دیتے ہیں ان لوگوں میں جن میں انسولین لیولز زیادہ ہوتے ہیں یا جن میں موٹاپے کا بھی شکایت ہوتی ہے. سو جو تھن اینڈ لین ہے اس میں زیادہ رول نہیں ہوتا ہے سوائے کچھ سرکمسٹانسز کے, یہ تھوڑا فرٹیلیٹی کو امپروو کرتی ہے. تو زیادہ تر میٹفارمن کا تبھی رول ہوتا ہے جب باڈی میں انسولین لیول زیادہ ہے. ادروائز اگر کوئی پیشنٹ ہے جس میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو جسٹ فار دا سیک آف یو نو ٹو لوز اٹ ایز اے ویٹ لوزنگ میڈیسن اٹس ناٹ ریکمینڈیڈ. تو میٹفارمن بہت لوگ یو نو بغیر ریزن کے بھی یوز کر رہے ہیں اور اس کے کمپلیکیشنز بھی ہیں. سو انہی لوگوں میں یوز کی جاتی ہے جس میں سرٹن انڈیکیشنز ہیں, جس میں مینلی یو نو کہ اگر انسولین لیول زیادہ ہے انسولین انفیکٹو بن رہی ہے, بیکاز اس کا کام یہی ہے کہ باڈی میں انسولین کو یہ افیکٹو کرتی ہے. اینڈ باٹم لائن یہ ہے کہ اپنے ڈاکٹر کے پرسکرپشن کے بغیر پلیز اس قسم کی میڈیسنز کا انتخاب نہ کریں خود سے. اچھا فرح, آئی وڈ لائک ٹو آسک یو, آئی ہیو ایک سوال آیا کہ آئی ہیو اے لین باڈی, دبلا پتلا جسم ہے, 15 to 20 kilos وزن گین کرنا ہے, کوئی ہیلدی ڈائٹ بتا دیجیے. جو ہے نا وہ پھر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ پہلے تو کچھ ملٹی وائٹمنس کا اگر سپورٹ لینا چاہیں بیکاز وہ انہانس کر دیتے ہیں فار دا امیونٹی فیکٹر, پلس وہ تھوڑی سی بھوک بھی بڑھا دیتے ہیں بیکاز ایک ساتھ ایک دم آپ نے جو ہے وہ اتنا گلپ نہیں کر سکتے. پلس یہ نہیں ہے کہ جی گھی میں پراٹھے تہ لگا لیں, اٹس بیٹر کہ آپ نے فزیکل ایکٹیویٹی اور ڈائٹ اپنی دونوں سائمنٹینیسلی رکھیں تاکہ وہ مسل ماس انکریز کرے. سو یو کین ہیو کہ آپ نے شیکس لے لیے ان فارم آف آپ کیلوریز کو بڑھا سکتے ہیں کہ رادر دین ہیونگ فروٹ اور وہ تو آپ نے بنانا شیک وغیرہ لے لیا, پلس سیری میں آپ نے انڈے کے ساتھ آپ 2 تک بھی لے سکتے ہیں پلس پراٹھا لے لیں. گھی ایکسیپٹیبل ہے, 1 tablespoon آئل از ایکسیپٹیبل فار جس میں اگر ہم کہیں گے کوئی کنڈیشنز نہیں ہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مودی, برانچ اینڈ امائنو ایسڈ سپلیمنٹس کیا ہارمفل ہوتے ہیں ہیلتھ کے لیے؟ بیسکلی برانچ اینڈ امائنو ایسڈس جو ہیں وہ ٹپکلی ہم ان پیشنٹس کو سجیسٹ کرتے ہیں جن کا کرونک لیور ڈیزیز کنڈیشنز ہوتی ہیں, اسپیشلی جو کہ انسیفیلوپیتھی ہے جیسے ڈاکٹر اسلم ڈسکس کر رہے تھے, جن کو غنودگی کے بار بار اٹیکس ہوتے ہیں. بیسکلی کرونک لیور ڈیزیز یا لیور کے بہت سیروسس, لیور سیروسس ہم جیسے کہتے ہیں, ان کنڈیشنز میں ہم برانچ اینڈ امائنو ایسڈ سپلیمنٹیشن دیتے ہیں. ادر دین دیٹ آپ جو نارمل روٹین میں پروٹینس لے رہے ہیں جس طرح میں نے بھی سورسز بھی ایکسپلین کی تھی, اسی کو اپنی ڈائٹ میں بیلنس کر کے یوز کریں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر اسما, یہ کویشچن ہے, دوز کویشچنز اگین ایک جیسے ہی آلموسٹ, کہ روزہ رکھنے کے بعد دوران اگر ہمیں لائٹ ہیڈڈنس ہوتی ہے, ہیڈ ایکس ڈیورنگ فاسٹنگ ہوتے ہیں تو کیا کریں, اور اکثر لوگ روزہ کھولنے کے بعد بہت ڈراؤزی سلیپی ہو رہے ہوتے ہیں, نقاہت ہو رہی ہوتی ہے, کمزوری محسوس ہوتی ہے, تو کیا ریزنز ہوتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے؟ سو پہلا والا تو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو جو ڈائبٹیز جن کو ہے اور روزہ رکھ رہے ہیں تو اس کے لیے ریکمنڈیشن یہ ہے کہ روزے میں ضرور شروع میں, اسپیشلی شروع کا پہلا ہفتہ, اپنی بلڈ شوگر ضرور چیک کریں. اور اس پہ بہت ساری چیزیں ہو چکی ہیں کہ اس میں آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے, تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز بہت سارے لوگ ازیوم کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنا بلڈ شوگر چیک کریں گے تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا. اس پہ مطلب یو نو ریلیجیس اتھارٹی سے بھی بات ہو چکی ہے اینڈ اس پہ کہ آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور اس پہ ایک سرٹن ٹائم ہے جس میں ڈیورنگ دا ڈے آپ نے شوگر چیک کرنا ہے. ایک تو پری سحری, سحری سے پہلے 12 شام کو 4 اور بفور افطار اور آفٹر اتوار. تو ضروری نہیں کہ آپ ہر ایک اپنے آپ کو ہر وقت چیک کرتے رہیں, لیکن دن میں ایک دفعہ ضرور چیک کریں اور ڈفرینٹ ٹائمنگس پہ. جیسے اگر روزے شروع ہوئے ہیں تو ایک ہفتے میں آپ نے ڈفرینٹ ٹائمنگس میں اپنا شوگر ضرور چیک کرنا ہے. اور جس میں انڈیکیشن یہ ہے کہ اگر کسی بھی ٹائم پہ آپ کا شوگر 70 or 70 سے کم ہے یا 300 or 300 سے زیادہ ہے, آپ روزہ کھول لیں. ابھی میں کہیں گئی تھی جہاں پہ میں ٹاک ڈیلیور کر رہی تھی, میں نے کہا روزہ توڑ لیں, تو انہیں کہا آپ کہیں کہ روزہ کھول لیں, بیکاز لوگ بہت سینسٹیو ہو جاتے ہیں روزہ توڑنے پہ. تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بھی بہت زیادہ آپ کو وہ دیا ہوا ہے, تو آپ اس میں روزہ کھول لیں. بیکاز لوگوں کا دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ 70 تو بات سمجھ آتی ہے, 300 پہ کیوں؟ تو 300 پہ بھی اتنا ہی ڈینجرس ہے کہ اگر آپ کا شوگر 300 ہو جاتا ہے تو اس میں باڈی میں ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے اور یو نو بے ہوشی کے چانسز اور یہ ساری چیزیں ہیں. تو اس میں آپ کو روزہ تو لائٹ ہیڈڈنس میں ضرور آپ نے اپنا شوگر چیک کرنا ہے کہ وہ کم تو نہیں ہو رہی ہے. اور دوسرا آپ کا سوال یہ تھا کہ پوسٹ میں فیل ہوتا ہے, تو اس پہ ہمارے ڈائٹیشن اور ڈاکٹر رستم اور بہت سارے لوگ یہ بات کر چکے ہیں کہ پلیز اپنا جو افطار پہ جو آپ چیزیں لیں گے کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس, بیکاز جتنا آپ سمپل کاربوہائیڈریٹس لیں گے اس میں آپ کے شوگر ہائی اور پھر لو ہوگی اور اس میں یو فیل ٹائرڈ, لائٹ ہیڈڈنس اور انہیں چیز یہی سمٹمز آپ کو ہوتے ہیں. تو جتنا آپ سمپل کاربوہائیڈریٹس کا یا جو یو نو جو جوسز ہوتے ہیں, ڈرنکس ہوتے ہیں جو کہ شوگر سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, وہ آپ سوچتے ہیں کہ آپ لیں گے تو یو ول فیل بیٹر, لیکن اس کے بعد آپ کو زیادہ لائٹ ہیڈڈنس ہوتی ہے. تو یہ چیزیں اوائڈ کرنی ہے. سمپل کاربوہائیڈریٹس میں
वो चीज़ें भी आती हैं जिसे खजला फेनी कहा जाता है, और ये बड़े शौक़ से हमारे यहाँ बिल्कुल एक ट्रेडिशन है, खाते हैं लोग, बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन दीज थिंग्स कम्स अंडर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। और एक और चीज़ जो आपको लिखा नज़र आता है डाइट फेनी, तो ऐसी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती कि फेनी को हम डाइट कर दें, क्योंकि वो बहरहाल मैदा इस्तेमाल होगा और वो डीप फ्राई भी होगी। मोती, हमारे पास डाइट एंड न्यूट्रिशन की कौन कौन सी क्लिनिक्स होती है क्यू में? हमारे पास डेली क्लिनिक्स हो रही हैं मंडे टिल फ्राइडे 9 to 5। डाइट एंड न्यूट्रिशन में इसमें आप जनरल न्यूट्रिशन की कंसल्टेशन के लिए भी आ सकते हैं, रमज़ान की डाइट के लिए प्लान्स, अपने प्लान्स कस्टमाइज प्लान्स के लिए भी आ सकते हैं। उसके अलावा जुमे को हमारी कंसल्टिंग क्लिनिक मशवरा क्लिनिक 6 पे क्लिनिक्स हो रही हैं 2 to 5 PM दोपहर को, और इस तरह से थ्रू आउट द वीक हम चल रहे हैं मंडे टिल फ्राइडे। आप कभी भी आके अपनी कंसल्टेशन करवा लीजिए डाइटिशन, स्पेशलाइज्ड डाइटिशन से। आपको चाहे कोई भी कंडीशन हो, डायबिटीज़ हो, गॉड फॉरबिड आपको ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, यूरिक एसिड है, जनरल न्यूट्रिशन है, वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, रमज़ान प्लान्स बनाने, डाइट प्लान्स बनाने, तो ज़रूर हमारे क्लिनिक्स पे आए। डेफिनेटली, बिल्कुल। और इसके अलावा रमज़ान डाइट क्लिनिक का भी आगाज़ हो चुका है, जो कि स्पेसिफिकली सिर्फ रमज़ानों में होंगी, उसमें भी आप इनरोल कर सकते हैं फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। फरा, कोई मल्टीविटामिन सजेस्ट करेंगी आप रमज़ान के हवाले से, क्या लेनी चाहिए, और अगर लेनी चाहिए तो क्या हो सकती है? बेसिकली मल्टीविटामिन्स का ये है कि हम अक्सर कुछ ऐसी मल्टीविटामिन्स ओवर द काउंटर मिल रही होती हैं जिसमें कोई भी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करने का नहीं होता, वो जस्ट एक डे की रूटीन को कवर कर सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि पहले तो ये कि आप अपने डॉक्टर सजेस्ट कर लें, या कोई डाइटिशियन आपको स्पेसिफिक कोई मल्टीविटामिन रिकमेंड करे कि जी आपने जिंक लेना है या बी कॉम्प्लेक्सेस लेना है, क्योंकि अक्सर मेटफॉर्मिन पे जो पेशेंट्स होते हैं उनको हम बी कॉम्प्लेक्सेस स्टार्ट कराते हैं बिकॉज उनकी नर्व्स जो हैं वो स्टिमुलेट होना शुरू हो जाती हैं, तो या तो पेन जोन, तो वो स्पेसिफिक दी जाती है, कोई जनरल ऐसी यूजली वी डोंट रिकमेंड। ज़्यादातर बी मेटफॉर्मिन पे जो पेशेंट्स होते हैं उनको पता भी नहीं होता कि उनके अंदर बी कॉम्प्लेक्स हो रही है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, आई डोंट ईट मीट और मैं वेजिटेरियन हूँ, तो क्या सप्लीमेंट्स लेने चाहिए मोती? प्रोटीन सप्लीमेंट्स अगेन वही बात आ जाती है, वेजिटेरियन जो लोग हैं वो बहुत अच्छा प्रोटीन अपना सोया बीन से ले सकते हैं, सोयाबीन भी कॉमनली अवेलेबल है कई मार्केट्स में, सोया मिल्क अवेलेबल है, उसमें प्रोटीन कंटेंट बड़ा अच्छा होता है। और मल्टीविटामिन्स जो हैं, क्योंकि मल्टीविटामिन्स बी कॉम्प्लेक्सेस और मिनरल्स का कॉम्बिनेशन होता है, तो जनरली जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनके अंदर प्रोटीन और आयरन की डेफिशिएंसी बड़ी कॉमन होती है, तो सोया मिल्क या सोया प्रोटीन बेस्ड जो अभी काफ़ी सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल ही भी हैं वो भी ले सकते हैं, लेकिन डाइट्री सोर्सेज में रिचेस्ट प्रोटीन जो है, जिस दाल में, मैं दालों की एग्जांपल दूंगी बिकॉज वेजिटेरियंस आर मोर टुवर्ड्स दाल एंड सब्जी, तो चने की दाल इज़ एन एक्सेलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन, इट इज़ हाई का प्रोटीन कंटेंट, वो ज़रूर लें। दूध से बनी हुई चीज़ों को इस्तेमाल ज़रूर करें, दूध, दही, लस्सी है, चीज़ है, प्लस सब्ज़ियाँ सारी ले सकते हैं। उसके अलावा आपके पास सोयाबीन है, सोया मिल्क अवेलेबल होता है मार्केट्स में भी, वो भी ज़रूर यूज़ करें। और मल्टीविटामिन्स के अंदर आपकी कंडीशन देख के, आपके हीमोग्लोबिन लेवल्स चेक करके, आपकी ओवरऑल वेट को देखते हुए हम मल्टीविटामिन सजेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है फरा, फ्रोज़न फूड्स रमज़ानों में जो मिल रहे होते हैं और प्रिजर्वेटिव फूड्स जो होते हैं उनके बारे में आप क्या बोलेंगी? तो वी सजेस्ट कि जी अगर होम मेड फूड हो तो इट्स बेटर बिकॉज उसकी एक्सपायरी या उसकी लेंथ ऑफ स्टे हम खुद डिसाइड करते हैं, प्लस उसमें हम कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं मिला रहे होते हैं, तो जितने भी बाजार के ये प्रोसेस फूड्स हैं उनको हम अवॉइड करते हैं। एक तो टिपिकली आजकल हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स का रेशो ज़्यादा बढ़ रहा है, जो कि ये आर्टिफिशियल चीज़ों से ही ज़्यादा एग्रीवेट हो रहा है कुछ टाइप ऑफ कैंसर्स जो हैं, प्लस कोलेस्ट्रॉल हो, ब्लड प्रेशर्स हो या सम काइंड ऑफ डायबिटीज़, ये आपका जो है ना, एक तो ये कि फीलिंग ऑफ फुलनेस कम कर देते हैं, आपका फीलिंग कि आप इनको बार बार खाएं ये चीज़ को ज़्यादा एक्सक्रीट कर देते हैं, एक्सीड कर देते हैं, तो इट्स बेटर टू अवॉइड देम। डॉक्टर रुस्तम, दो क्वेश्चंस हैं आपके लिए, एक तो ये कि इफ्तार के फौरन बाद जो लोग चाय पीते हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे, दूसरा ये पानी का इनटेक किस हद तक अच्छा कितना होना चाहिए कि आपकी जो इंटेस्टिनल हेल्थ है, गट हेल्थ है, वो सब अच्छी फंक्शन करती रहे। जी, पानी के बारे में तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जैसे मौसम भी गर्म है, इसमें बहुत ज़्यादा एवेपोरेशन होती है, पानी की बहुत कमी होती है, तो इफ्तार के बाद अच्छा खासा पानी पीना चाहिए, 8-10 गिलास अगर पानी पी लें तो ये काफ़ी होगा। अच्छा, इफ्तार के बाद सहरी तक पीते रहें 8-10 गिलास? ठीक है, और फिर सहरी में उसमें भी अच्छे खासे मकदार में पानी पीने की ज़रूरत होती है। उसके बाद बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होती है, कई लोग अवॉइड करते हैं कि इससे होगा, लेकिन वो भी अच्छा है, उससे किडनी फ्लश होता है, किडनी की फंक्शन बेहतर होती है, तो ये पानी का तो इसमें तो कोई सेकंड राय नहीं है कि रमज़ान में पानी का मकदार बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, उससे कब्ज़ भी प्रिवेंट होगी, उससे डिहाइड्रेशन भी कम होगी, डिटॉक्सिकेशन फंक्शन भी बेटर अचीव होगा,
और गुर्दा भी फ्लश होगा और गुर्दे की फंक्शन ख़राब नहीं और होगी। जो चाय का इंटेक लोग कर रहे होते हैं बहुत मग भर भर के चाय पी लेते हैं, हर चीज़ में देखें इतदाल बहुत ज़्यादा मग भर भर के तो किसी तरह से भी एडवाइजेबल नहीं है, लेकिन अगर बहुत लिमिटेड मकदार में चाय अगर का इस्तेमाल हो तो वो भी एक तरह के फ्लूड में ही आती है तो उसको परमिसेबल हो। डॉक्टर अस्मा, हाउ कैन वी इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन एंड एंटी स्ट्रेस हार्मोन थ्रू डाइट? टेस्टोस्टेरोन का तो कोई ऐसा वो नहीं है जिसको आप डाइट के थ्रू कर सके, वो अगर आप में डेफिशिएंसी है तो वो आपने रिप्लेसमेंट की फॉर्म में लेनी होती है। और दूसरा आपने क्या सवाल किया, इस एंटी स्ट्रेस हार्मोन को कैसे बढ़ा सकते हैं आप डाइट के थ्रू? इस कोई ऐसे खाने फूड ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप अपना स्ट्रेस जो है वो उसको वो कर सके? जिसने ही पूछा मेरे ख्याल से कोई गूगल वगैरह देख के पूछा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई डाइट ऐसी नहीं है जो आपके एंटी स्ट्रेस हार्मोन्स सही करे, आप बस खुश रहें, दैट्स इट। ओके मोती, ये बताएं कि छाछ जो सहरी पे लोग क्या पीते हैं उससे क्या वाकई थर्स्ट कंट्रोल में आती है? बिल्कुल कंट्रोल में आती है। हमारे पास जिस तरह हम हाइड्रेशन पे बार बार बात कर रहे हैं, दही या लस्सी या दही और पानी ब्लेंड की हुई लस्सी या दही और दूध मिला के जो लस्सी बनती है उसके अंदर बड़े अच्छे हमारे पास एक तो कैल्शियम है सबसे इम्पॉर्टेंटली, जो कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन में बहुत कॉमन नहीं है कि लोग अपनी जितनी रिकमेंडेशन है उस हिसाब से दही या दूध का कंजम्पशन करते हैं। तो प्यास को कंट्रोल करने में दही इज़ बेनिफिशियल। आप उसको पानी के साथ या दूध के साथ ब्लेंड करके लस्सी के फॉर्म में ज़रूर लीजिए। कैल्शियम के साथ इसमें डिफरेंट मिनरल्स भी आपको मिल जाएंगे, राइबोफ्लेविन है प्लस फॉस्फोरस भी थोड़ा सा आपको मिल जाएगा, तो बोन हेल्थ के अलावा आपकी थर्स्ट को भी कंट्रोल करने में बहुत बेनिफिशियल है। तो अपनी अफ्तारी और सहरी के अंदर जिस तरह हम शरबत्स और पाउडर ड्रिंक्स की तरफ होते हैं, कार्बोनेटेड फिजी ड्रिंक्स की तरफ होते हैं, आइडियली हमारे पास मिल्क शेक्स, दही, लस्सी, योगर्ट, इसका एक्सेलेंट यूज़ करके आप अपनी बॉडी को डिहाइड्रेशन से भी बचा सकते हैं और आपकी बॉडी में आपको फील ही नहीं होगा कि हमने रोज़ा गुजार दिया लेकिन प्यास बहुत एक्सेसिव लगी, अनलेस कोई क्लोज टू अफ्तार जब आपको प्यास लगनी शुरू होती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मैं ऐड करूँगी, जिन लोगों को हम पूरे टाइम हमने आपको समझाया कि पानी का बहुत ख्याल रखें, जिन लोगों को पानी पीने से प्रॉब्लम होती है, मोती ने भी कहा कि आप बेसिल सीज एंड तुख मलंगा ऐड कर सकते हैं पानी में, हनी लेमन वाटर भी पी सकते हैं, या आप ऐसे फ्रूट जैसे तरबूज आजकल सीजन में बहुत आया हुआ है तो वो हाई वाटर कॉन्टेंट फ्रूट है, तो आप तरबूज है, खरबूजा है, इसको ज़रूर अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। अगर मिक्स फ्रूट चाट बना रहे हैं रमज़ानों में तो प्लीज़ डोंट ऐड एनी शुगर, चीनी के बगैर प्लेन फ्रूट्स को मिक्स करके आप रखें, फ्रूट की जो अपनी शुगर होती है दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू, आपके लिए बहुत होती है। ठीक है, ओके जी, इसी के साथ हमारे इस आज के लाइव सेशन का टाइम हो रहा है ख़त्म। आई एम श्योर आपने इंजॉय किया होगा, आप लोगों को मुफीद मालूमात ज़रूर मिली होगी। जाते जाते अपने एक्सपर्ट से एक एक थोड़ा सा मैसेज लेना चाहेंगे। जी सर, आप कोई टेक होम मैसेज देंगे? जी मेरा ख्याल ये है कि रमज़ान अल्लाह की एक नेमत है, इसका एक स्पिरिचुअल और एक एस्पेक्ट भी है जो तकवा, इसके अलावा इस अपॉर्चुनिटी को हमें अवेल करना चाहिए, इसमें बहुत सारी बुरी आदतों से आदमी छूट सकता है, मसलन आप सिगरेट छोड़ सकते हैं, इसमें आप वेट रिड्यूस कर सकते हैं, अपने कोलेस्ट्रॉल को बेहतर कर सकते हैं, बॉडी की डिटॉक्सिकेशन होती है, तो लिहाजा इस मौके को गनीमत समझ के इसको बहुत पॉजिटिव ले के इस अपॉर्चुनिटी से ये फ़ायदा उठा के हम अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं। जी मोती, आप क्या कहेंगे? आई वुड सजेस्ट रमज़ान इज़ अ वेरी गोल्डन टाइम फॉर अस कि हम अपने वेट को जिस तरह डॉक्टर इस्तम डिस्कस कर रहे हैं हेल्थ बेनिफिट्स की तरफ जा सकते हैं, बहुत अच्छा वेट कंट्रोल होता है लोगों के, यूरिक एसिड लेवल से लेके कोलेस्ट्रॉल्स तक कंट्रोल हो जाते हैं, डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाती है, जो भी हम खा रहे हैं वो हमारी ब्लड शुगर्स की, ब्लड प्रेशर्स की फॉर्म में, हमारे वज़न की फॉर्म में हमें दिख रहा होता है विजिबली। तो कोशिश करें बैलेंस डाइट लें थ्रू आउट रमज़ान और आई होप आप रमज़ान इन्जॉय करेंगे। दूसरी बात ये कि हमारे पास रमज़ान कि जिस तरह फर्स्ट मई से प्रिडिक्शन है कि हीट वेव शायद आएगी तो डिहाइड्रेशन के चांसेस बहुत हैं, तो इंडोर एक्टिविटी रखिए, बहुत ज़्यादा सनलाइट एक्सपोजर मत करें और अपने पानी के जिस तरह हम डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट प्रोग्राम आपको एक्सप्लेन किए, पानी को आपने नहीं छोड़ना, डिस्ट्रीब्यूटेड टाइम्स में ज़रूर पानी का कंजम्पशन ज़्यादा रखिए अफ्तारी एंड सहरी। जी डॉक्टर अस्मा, जी मैं डायबिटीज़ के रेफरेंस पे बात करूँगी तो आप लोगों के लिए मेरा मैसेज यही है कि प्लीज़ अगर आपको डायबिटीज़ है और आप रोज़ा रखना चाह रहे हैं तो ज़रूर अपने डॉक्टर से रुजू करें और उनकी जो जो बेसिकली जो भी मशवरा है उसके उसके हिसाब से आप रोज़ा रखें और उसको फॉलो करें। जी भला, आई वुड सजेस्ट कि इट्स अ ब्लेसिंग मंथ, एक ब्लेस्ड मंथ है, तो इसको आपने इबादत के साथ साथ अपनी डाइट का भी थोड़ा ख्याल रखना है कि मॉडरेशन में खाएँ, म्याना रवि इज़ द की, ना बहुत ज़्यादा ऊपर ना बहुत ज़्यादा नीचे, बीच के रास्ते में चलें। टेबल सॉल्ट को हर एक ने अवॉइड करना है, चाट मसालों को आपने नॉर्मल फ्रूट वैसे ही लेना है, उसमें कुछ और एड ऑन्स नहीं करने हैं, मोर टूवर्ड्स आपने एक्सरसाइज जो है आफ्टर अफ्तार करनी है। ओके
جی میں ظاہر ہے ایز اے ڈائٹیشین یہی آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گی کہ رمضان بہت اچھا وقت ہے وزن کو کم کرنے کا, جن لوگوں کو پی سی اوز کے ایشوز ہیں, جن لوگوں کو مشکلات ہو رہی ہیں وزن کم کرنے میں, کیونکہ جیسے ڈاکٹر اسما نے کہا کہ یہ پروون ریسرچ ہو چکی ہے کہ فاسٹنگ جو ہم کرتے ہیں روزہ, یہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے زمرے میں آتا ہے, اور اس پہ باقاعدہ ریسرچ کی ہے ویسٹ میں لوگوں نے کہ یہ ہیلپ فل ہے ویٹ لاس کرنے میں. بلکہ عام زندگی میں جب ہم اپنے کلائنٹس کو ویٹ لاس کے پلانس دے رہے ہوتے ہیں تو جب ان کا ویٹ لاس رک جاتا ہے, پلیٹیو آ جاتا ہے, تو ہم انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ پہ سجیسٹ کرتے ہیں, اور بلیو می اس کے بہت اچھے ریزلٹس ملتے ہیں. لیکن جب ہم رمضان میں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتے ہیں تو اس کے الٹے ریزلٹس آ جاتے ہیں کہ لوگ ویٹ گین کرنا شروع کر دیتے ہیں. اینڈ دیٹ از بیکاز بہت آبویس بات ہے کہ بہت زیادہ ہائی اماؤنٹ میں فوڈ کا استعمال کرنا, میٹھے کا استعمال کرنا, بہت زیادہ اماؤنٹ میں آئلی فوڈس کا اچانک سے استعمال کر لینا آپ کو موٹاپے کی طرف لے جاتا ہے, اور آپ اپنی توقع سے زیادہ ویٹ گین کرنا شروع کر دیتے ہیں, جو کہ ظاہر ہے پھر کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اپنے رمضان کو اچھا گزاریے, ہیلدی گزاریے. ہماری مشورہ کلینکس اویلیبل ہیں آپ کے لیے, ہم نے آپ کو نیوٹریشن کلینکس کے حوالے ساری انفارمیشن دی ہے. آپ ہماری فیملی حفاظت ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ساری سروسز کو اویل کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ہی آج کے لائیو سیشن سے مجھے اور میری پوری ایکسپرٹس کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.